गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यू ब्लाउजेस शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने ऐड ऑन किए हैं अपने कलेक्शन में। मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस ब्लाउज के ऊपर बनाए हैं। एक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर किया था 6-8 मंथ्स के पहले, एंड देन दूसरा ब्लाउज का जो वीडियो मैंने बनाया था वो मैंने मीशो से परचेज किया था। एंड वो बेसिकली जो समर सीजन को ध्यान में रखते हुए थोड़े ब्लॉक प्रिंट्स, अजरक प्रिंट्स वाले जो भी ब्लाउजेज होते हैं, स्पेशली कॉटन मटेरियल के ब्लाउजेस, उनके ऊपर भी मैंने ये एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। उनको कैसे स्टाइल किया है मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो इस वीडियो में मैं फिलहाल आप लोगों के साथ फ्रेश कलेक्शन जो मैंने अपने वार्डरोब में ऐड किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट जम्प इनटू द वीडियो। सो समर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पर्टिकुलर ब्लाउज जो मैंने इस बार एड ऑन किया है, जो कि काफ़ी ईयर ऑन ईयर आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये जो कलर है ऑफ वाइट कलर, ये आप कितने भी सीजन में चाहो आप इस तरह के कलर को यूज़ कर सकते हो। द लेस वर्क ये इतना वर्सटाइल होता है ना, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता। एंड स्पेशली जस्ट लुक एट द स्लीव्स जो इसके साथ आ रहा है, एंड इस तरह से ये काफ़ी फेमिनिन लुक दे रहा है इसमें। एंड हल्का सा ब्लिंग है इसमें, उतना ज़्यादा आपको आँख में नहीं लगेगा, बट इट लुक्स रियली वेरी शीक व्हेन मैं आपको हल्का सा ऐसे लाइट में दिखाऊं तो हल्का सा ऐसे ब्लिंग सा है। अदरवाइज इसको डे एंड नाइट दोनों में ही आप इसको स्टाइल कर सकते हो। आई लव द लेस लुक। ओवरऑल ये पूरा का पूरा ब्लाउज जो है ना वो लेस से बना हुआ है। एंड अंदर में जो मटेरियल देख रहे हो, ये जो मटेरियल है ये कॉटन मटेरियल का है। इट्स अ पैडेड ब्लाउज एक्चुअली। दिस इज द ब्लाउज विच आई हैव स्टाइल्ड विद दिस रेडीमेड जो प्री ड्रिप साड़ी है ना उसके साथ। आई मीन जस्ट लुक एट द बैक, इसकी बैक की डिटेलिंग इतनी प्यारी खूबसूरत है, इतना सोफेस्टिकेटेड लुक देता है ना। इट कम्स विद अ टाई अप कुछ इस तरह से, यहाँ पे बैक पे इस तरह टाई अप आ रहा है इसको टाई करके, एंड देन दिस इज हाउ द लटकन लुक्स लाइक। बड़ा ही प्यारा ये लेस का ब्लाउज है। ये मैंने मतलब काफ़ी सोचने के बाद लिया था। इसमें आई थिंक मुझे एक और कलर दिख रहा था ब्लैक कलर में, बट ये जो कलर है ना इसमें जो चार्म है वो बात है, वो मुझे और किसी कलर में उतना खास जम नहीं रहा था, तो मैंने कहा यही वाला कलर लेंगे। एंड स्पेशली ऑफ वाइट कलर था, मल्टीपल साड़ीज़ के साथ स्टाइल कर सकते हो, चाहे वो समर सीज़न की हम बात करें, विंटर सीज़न की बात करें, एकदम क्लासिक पीस होता है। तो इस तरह का पीस आप अपने वार्डरोब में रख सकते हो जो कि आप ईयर ऑन ईयर स्टाइल करो, एंड ये बिल्कुल भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना, तो लाजपत नगर का ये जो पर्टिकुलर शॉप है यहाँ पे आपको अराउंड 4-5 हंड्रेड से लेके 3-5 हंड्रेड तक के ब्लाउजेज़ आपको मिल जाते हैं। स्पेशली जो डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ होते हैं ना वो आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे, लाइक 2200-3500 इस तरह के रेंज में मिलेंगे। हाउएवर जो आपके बेसिक जो प्लेन जो सॉलिड वाले जो ब्लाउजेज़ होते हैं या फिर कॉटन मटेरियल के ब्लाउजेज़ होते हैं ना, वो 400-500 रुपये के बीच में मिल जाते हैं। इस तरह के जो थोड़े फैंसी ब्लाउजेज हैं या इस तरह के जो ब्लाउजेज, ये भी ब्लाउज मैंने सेम शॉप से लिया था, पर्ल डिटेलिंग वाली ब्लाउज आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है, तो ये मैंने अराउंड 1500 में लिया था लाजपत नगर से। बट आई मीन इस प्राइस पे ये इतना प्यारा लगता है ना, बिल्कुल डिज़ाइनर पीस है ये। एंड इस तरह के ब्लाउजेस काफ़ी साल चलते भी हैं, एंड पर्ल ब्लाउजेस के ट्रेंड में काफ़ी सारे डिफरेंट ब्लाउजेस लास्ट ईयर हमने देखे थे। एंड जैसे कि दीपिका पादुकोण का ये वाला जो केप वाला ब्लाउज था, आलिया भट्ट का ये वाला ब्लाउज हो गया, कृति सेनन ने भी सेम केप वाला ब्लाउज पहना था। ये इस तरह के ब्लाउजेस ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इस समय। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कलेक्शन, मैंने दो डिफरेंट नूडल स्ट्रैप में ब्लाउजेस एड ऑन किए हैं अपने वार्डरोब में, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ऑलराइट, तो पहले तो मैं बताऊँगी नूडल स्ट्रैप होता क्या है। तो इस तरह के जो स्ट्रैप्स होते हैं ना, इनको नूडल स्ट्रैप बोलते हैं। एंड ये एक ब्लाउज है जिसको मैंने एड ऑन किया है अपने वार्डरोब में। सो अगर आपको मैं ध्यान से इसकी डिटेलिंग दिखाऊँ, तो वाइट बेस के ऊपर इस तरह से आपको ये एम्ब्रॉयडर्ड पीस है, ये इस तरह से आपको वर्क किया हुआ मिलेगा। एंड इसमें ना नीचे की तरफ आप देखो, यहाँ पे इस तरह पर्ल बीड्स दिए हुए हैं। इस तरह के जो ब्लाउजेज़ है ना, आप इनको
इनफैक्ट साड़ीज़ के अलावा आप चाहो तो धोती कुर्ता जो होता है ना, धोती पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, ऊपर केप ले लो या श्रग ले लो, या फिर आप लहंगे के साथ आप मिक्स एंड मैच करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसका जो बैक है, आई मीन जस्ट लुक एट द बैक, बड़ा ही क्रिस्प क्रॉस और प्यारा सा बैक है ये। एंड ये अगेन मैंने सेम शॉप से लिया था, इनफैक्ट मैं सारे एक ही शॉप से सारे ब्लाउजेस लेती हूँ। एंड इस तरह से ये आपको दिखेगा, मैंने इसको इस पर्टिकुलर साड़ी के साथ स्टाइल किया है। आई मीन इट लुक्स लवली, इट कम्स विद द सेम पैडिंग, एंड यहाँ पे अंदर जो है ना ये इस तरह से कॉटन मटेरियल का ये इस तरह अस्तर दिया हुआ है, अस्तर मतलब लाइनिंग जो है, ताकि आपका जो ये जो मटेरियल है ना ये इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाए। I am in love with this one. इसके साथ मैंने एक और जो ब्लाउज़ लिया है मैं वो दिखाती हूँ। सो वाइट कलर में मैंने एक ऐड किया है, तो एक ब्लैक कलर का तो चाहिए ही। नाउ ये जो ब्लैक कलर वाला ब्लाउज़ आप देख रहे हो ना, इसमें हल्का सा एम्ब्रॉयडर्ड जो थ्रेडवर्क है वो डार्क कलर का थ्रेडवर्क किया हुआ है। एंड इस तरह के डार्क कलर के जो थ्रेडवर्क्स होते हैं ना, ये लगभग सबके साथ चले जाते हैं, बिकॉज मोस्टली इंडियन आउटफिट में ना रेड ब्लैक का कॉम्बो मिल जाएगा, पीच का कॉम्बो मिल जाएगा, ग्रे कलर का भी यहाँ पर ये इस तरह से वर्क किया हुआ है। सो ये नूडल स्ट्रैप में ना मैंने इसको ऐड ऑन किया। इसका बैक सेम इस तरह से है, जस्ट दैट इसमें जो नीचे आप ये जो डिटेलिंग देख रहे हो ना, ये बीट्स ब्लैक कलर के ही है, बट इट लुक्स रियली क्लासी। मैंने इस साड़ी के साथ इस ब्लाउज का स्टाइल किया है एंड इट लुक्स रियली रियली अमेजिंग। अगेन इसको भी आप मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो। नाउ आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि महिमा तुम इस तरह के ब्लाउजेज में अलग से क्यों इन्वेस्ट करती हो, जो साड़ीज के साथ जो अनस्टिच ब्लाउजेज आते हैं उनको स्टिच करा के क्यों नहीं पहनती। मेरा उस क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि यार बेसिक जो ब्लाउजेज है ना वो मैं कितने सारे सिलवा लूँ, वो मज़ा नहीं आता जो डिज़ाइनर पीस में आता है। भले मुझे ऐसा लगता है कि 2200 या 3500 वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, बट मैं कितने साल और कितने डिफरेंट साड़ीज़ के साथ मैं स्टाइल करती हूँ। जैसे कि मैंने ये एक पर्टिकुलर ब्लैक वाला ब्लाउज़ मैंने स्टार्टिंग में उसी शॉप से लिया था, एंड इस सेम ब्लाउज़ को मैंने डिफरेंट साड़ीज़ के साथ स्टाइल किया था। इनफैक्ट एक घाघरा के साथ भी स्टाइल किया था। एक अच्छे ब्लाउज़ में इन्वेस्ट करो एंड यू आर सॉर्टेड फॉर दैट ईयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, सो ये जो आप ब्लाउज़ देख रहे हो ना, ये हल्का सा ये डिफरेंट है फ्रॉम द लास्ट 3 ब्लाउजेज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसमें क्या डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो मटेरियल है, ये हल्का सा आपको सिल्क ब्रोकेड वाला मटेरियल दिखेगा। इस तरह से आपको ये जो आप डिटेलिंग देख रहे हो ना, अलग अलग डिटेलिंग है यहाँ पे नीचे, इस तरह से बनारसी डिटेलिंग दी हुई है। यहाँ पे हल्का सा मुझे इस तरह से बंदेज वाला प्रिंट दिख रहा है। मिक्स एंड मैच है ये ओवरऑल। एंड इसके साथ यहाँ पे जो आप ये डिटेलिंग देख रहे हो, ये मिरर वर्क की डिटेलिंग है, एंड देन लेस की डिटेलिंग दी हुई है। आई लव द कट। इसका जो बैक है ना, ये भी बड़ा डिफरेंट कट है इसके बैक का। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ कम्फर्टेबल विथ डीप बैक या फिर एकदम बैकलेस ब्लाउजेस के लिए कम्फर्टेबल है ना, दिस इज समथिंग विच आई वुड से यू कैन गो अहेड विथ। ये भी आजकल इस तरह के ब्लाउजेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड इसके साथ अगेन ये बैक पे इस तरह से ये लटकन आ रहा है। अगेन अस्तर जो है ये कॉटन मटेरियल का अस्तर है, एकदम प्योर कॉटन जो लिनन वाला जो मटेरियल होता है वो। एंड इसमें भी अगेन पैडिंग दी हुई है, मुझे लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक इसमें देखिए आप फ्रंट में कितना प्यारा लुक आ रहा है, एकदम मिरर वर्क भी है, लेस की भी डिटेलिंग है। सेम इस ब्लाउज़ को मैंने इस पर्टिकुलर साड़ी के साथ, ट्रेडिशनल साड़ी के साथ पेयर किया है, एक मॉडर्न ब्लाउज़ को। एंड जस्ट लुक हाउ क्यूट एंड एलिगेंट इट लुक्स लाइक, इज़न्ट इट? ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लाउज जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो है ये वाला। आपको प्रॉपर बंदेज वर्क एंड ब्रोकेड वर्क ऐसे साइड बाय साइड दिखेगा। नीचे का जो इसका जो वर्क है ना, ये इस तरह से थ्रेड वर्क किया हुआ है। एंड इसका जो स्ट्रैप है, अगेन ये सेम मटेरियल का इस तरह से ये स्ट्रैप किया हुआ है। बैक की अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह से सेम क्रिस क्रॉस वाला बैक है। द लाइनिंग इज़ द सेम एंड इसमें भी अगेन पैडिंग दी हुई है। नाउ इसके साथ ना एक जैकेट भी आया था जो मैं आपको दिखाऊंगी। सो इस
इसको सेपरेटली मैंने एक साड़ी के साथ कुछ इस तरह से स्टाइल किया है। ऑलराइट, सो दिस इज अ फुल स्लीव ब्लाउज जो कि मैंने लिया है। एंड ये जो मस्टर्ड कलर है ना, मस्टर्ड कलर की भी एक खासियत ये है कि बहुत सारे डिफरेंट साड़ीज के साथ चला जाता है। एंड इसके ऊपर इस तरह से ये गोल्डन में वर्क किया हुआ है एंड हल्का सा पीच एंड ऑरेंज कलर का आपको इसमें थ्रेड वर्क भी दिखेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे स्लीव्स पे इस तरह से आपको लेस की डिटेलिंग दी हुई है, ये एक्चुअली सीक्वेंस वाली लेस की डिटेलिंग है। सो सामने से दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड यहाँ पे इस तरह से ये लेस की रनिंग डिटेलिंग दी हुई है। इट्स अ प्लंज नेक ब्लाउज, दिस ऑल्सो कम्स विथ पैडिंग। एंड यहाँ पे अंदर जो मटेरियल है ये कॉटन मटेरियल का बना हुआ है। एंड इस तरह के ब्लाउजेज ना ये काफ़ी सिंपल से जो अगर आप साड़ी पहनो उसको भी वो एम्प अप कर देते हैं, बिकॉज इसमें इतना वर्क किया हुआ है, इतना इसको पास से मैं आपको दिखाती हूँ, इतना प्यारा वर्क किया हुआ है इसमें। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो प्लंज नेक है, इसका जो बैक है नाउ, यहाँ पे अगर आप इसका जो बैक देखो, सो द बैक हैज़ टू टाइप्स, ऊपर की तरफ यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल टाइप करते हैं वो, एंड देन फिर नीचे की तरफ यहाँ पे हुक नहीं दिया हुआ है, दिस ऑल्सो हैज़ अ टाइप नीचे की तरफ यहाँ पे। एंड दिस इज अ सेक्सी ब्लाउज, लाइक दिस गिव्स अ रॉयल लुक ऑल टुगेदर। आप इसको लहंगे के साथ भी पहन सकते हो, हल्दी फंक्शंस में अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा अगर हमारा आउटफिट ब्लिंगी होता तो मज़ा आ जाता, दिस इज समथिंग विच विल ब्रिंग दैट ब्लिंग इन योर आउटफिट गाइज। सो आई एम समवन हु लव्स टू गो ओवरबोर्ड, एंड इस तरह की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप एकदम अपने आउटफिट को डिज़ाइनर आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट माई ब्लाउज रीवैम्प, आई वुड से। ये जो सारे ब्लाउजेज मैंने जिस शॉप से लिए ना, उनकी भी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।